इजी कुकिंग बाय परमजीत कौर फ्रॉम मोहाली विच तुहाडा स्वागत है। अज असी वाइट चना पनीर करी बनावांगे। जेदी रेसिपी तुहानू अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दिओ। जो हुण तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो वह भी प्लीज़ कर दिओ, नाल ही बैल आइकन जरूर प्रेस कर दिओ ताकि साडे हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। तो साडी वीडियो जिहड़ी आखिर तक जरूर देखिया करो, क्योंकि असी विच काफ़ी ऐसी चीज़ें दसते हैं जो कि डिश नूं बनाने वास्ते बहुत हैल्पफुल होंदियां ने, और कई ऐसे मसाले होंदे ने जिहड़े असी लास्ट ते ऐड करी दे ने, इस करके इहनूं आखिर तक देखना बहुत जरूरी है। तो हुण इहनूं बनाने वास्ते जिहड़ी जिहड़ी चीज़ की जरूरत है कि करके असी तुहानूं दिखाने आ। इहदे सब तो पहले जी चने 200 ग्राम असी ले सी, ते इह असी अच्छी तरह वॉश करन तो बाद इहनूं 8-10 घंटे पहले असी भिगोता सी इहनूं, ते उस तो बाद असी पानी चों कढ के रख ले। तो ये पनीर है जी, 200 ग्राम पनीर लैके छोटे छोटे पीसिस असी कर लें। तो टमाटर जिहड़े ग्रेड कर लें, इहदा वेट 120 ग्राम है। प्याज भी ग्रेड करके रखा हो, 60 ग्राम वेट है। तो लसन भी असी ग्रेड करके रखे तो यदा 10 ग्राम वेट है। तो थोड़ा जिहा असी सुक्का धनिया जिहड़ा है उहनू दरदरा किया हो एक छोटा चम्मच। बाकी जिहड़े होर मसाले यूज होने इहदे च नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, तो काली मिर्च, तो देसी घ्यो असीं इहनूं बनावांगे। असी देसी घ्यो बनावांगे, तुसीं अपने टेस्ट मुताबक कोई भी घी कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हुण असीं इहनूं बनाउणा शुरू करदे हां। ये देखो जी कुकर जिवें ही असीं गैस ते रखिआ गर्म होएगा, एज़ पर रिक्वायरमेंट असीं इहदे च घी ऐड कर देंगे। आ देखो जी घी असीं इहदे च देसी घी असीं पाता, बस उन्ना कि असी पाना जिन्ने साडे प्याज टमाटर अच्छी तरह फ्राई हो जाए। घी देखो जी साडा गर्म हो गया, तो असी प्याज ये गोल्डन ब्राउन करने वास्ते पा दिते। थोड़े जे असी 1 मिनट या 2 मिनट के करीब असी प्याज पहले फ्राई करांगे, उस तो बाद असी इस लसन पावांगे, क्योंकि लसन जल्दी ज़्यादा ब्राउन हो जाता। सुक्का धनिया असी जो दरदरा किया वो असी ऐड कर देता। आ देखो जी बस 1/2 मिनट असी प्याज फ्राई किए, उस तो बाद असी लसन भी ऐड कर देता। तो ये देखो जी तिना चीज़ों असी गोल्डन ब्राउन करांगे, प्याज लसन ते सुक्का धनिया। फिर देखो जी नाल नाल इन्हों हिलाई जाना, क्योंकि जरा नीचे चिपक जाता नहीं तो मसाला। बहुत सोहना साड़ा गोल्डन फ्राई हो रहा, गोल्डन ब्राउन जो होएगा लसन प्याज ते सुक्का धनिया, उस तो बाद असी हल्दी ऐड करांगे। अतो जी मसाला साडा गोल्डन ब्राउन हो गया सारा, तो असी डेढ़ चम्मच असी छोटा जिहड़े वाला हल्दी का असी इहदे च पाया। तो एक कुछ सैकेंड असी हल्दी इस तरह फ्राई करांगे तां कच्चा पन दूर हो जाएगा। जिवें ये अच्छी तरह फ्राई हुई तो थोड़ा जिहा इहदे च असी पानी पावांगे, इहदे नाल हल्दी का रंग अच्छा आ जाता, नाल सारी चीज़ें अच्छी तरह मैच हो जाती हैं। नाल दे नाल ही असी टमाटर असी इहदे च ऐड कर देने जिहड़े ग्रेट करके असी रखे सी, असी इस तरह मिक्स कर देना। टमाटर कुछ देर असी अच्छी तरह फ्राई करांगे सारे चीज़ों मिला के। देखो जी नाल दे नाल असी हुण इह मसाले ऐड कर देने, नमक 1 छोटा चम्मच, बाकी अपने टेस्ट मुताबक वध घट पा सकते हो। लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, ये भी अपने टेस्ट मुताबक वध घट पा सकते हो। तो इसी तरह कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, ये अपने टेस्ट मुताबक तुसीं मिर्च ते नमक वध घट पा सकते हो। जिवें ये घी छड़ जाएगा फिर ये असी चने करांगे ऐड। अदो भाई 1 छोटा चम्मच असी ये गरम मसाले का ऐड कर रहे हैं, थोड़ा जहा टेस्ट मुजब। ये सारे सुके मसाले ये होए हुए पीसे हुए ने। अदो भाई जी मसाला साड़ा घी छड़ गया, तो वाइट चने जड़े असी ये ऐड कर देते हैं अच्छी तरह। इन्हों असी मिक्स कराने नाल नाल, देखो जी इन हिलाई जाना थले नहीं लगन देना। यह साडा जरा फ्लेम शुरू दा ही फुल फ्लेम चल रहा, देखो जी सारा कुछ फुल फ्लेम ते होया। ये भी जो असी प्याज और लसन का मसाला किया थोड़ा बहुत कभी तेज़ लगे तो घटा सकते हो थोड़ा जहा, अदरवाइज़ फुल फ्लेम पर ही सारा काम होया है। ये देखो चने साढ़े बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गए, घी छट गए,
हम इसे पानी ऐड करांगे। पानी इसे गर्म करके रखे हो या गर्म पानी पान ना बहुत अच्छा रहता जी, एक ज़्यादा टेस्ट अच्छा बनता है। और एक जड़ी स्टीम कुकर दी इमीडिएट बननी शुरू हो जाती है, जो टक्कर लगाओ हाँ देखो जी वो बनना शुरू हो जाता जी। ये असी जी जिन्ने चने ने ये तो 2 इंच उपर रखना पानी ये देखो जी, जो अगर लीटर के हिसाब से किया जाए तो बस 1.25 लीटर के करीब करीब पानी पै जाता, यानी कि 750 ml। तो इनू असी कुकर बंद कर देना जी, तो 10-12 मिनट असी इनू 10 मिनट तुसी कह सकते हो 10 या 11 जिन्ने भी हो जाए, बस इन्ने क मिनट असी जो पहली विसल होएगी उस तो 10 या 11 मिनट बाद असी इनू बंद कर देना। फिर जो अपने आप स्टीम निकलेगी तो फिर इनू खोल के चेक करांगे। ये देखो जब तक साड़ी कुकर की स्टीम निकलेगी, जब तक असी घी च पनीर में थोड़ा जहा असी फ्राई करांगे, थोड़ा जहा बस असी थोड़ा जहा कच्चापन दूर करना, ज़्यादा लाल भी नहीं करना, थोड़ा जहा कच्चापन असी दूर करना, नाल नाल इन हिलाई जाना ताकि चिपके भी ना। ये देखो घी असी एक बार गर्म करने तो बाद फ्लेम असी लो करता, लो फ्लेम से असी स्लो स्लो इन्हों थोड़ा कच्चा पानी का दूर कर लिया, जब जरूरत पेगी तो थोड़ा जहा बढ़ा सकते हो, पर अदरवाइज वो ही थोड़ा थोड़ा कच्चा पानी का दूर हो गया। ये देखो जी पनीर साड़ा जोड़ा थोड़ा जहा असी बस गोल्डन जहा कलर आया है था, लेकिन ये भी बस थोड़ा जहा कच्चा पानी असी दूर किया है घी जैसे अलग कट के असी रख लिया। ये देखो जी 10 मिनट बाद असी बंद करता से कुकर, तो अपने आप जो तो स्टीम निकली तो असी हम खोल के चेक इनू करते हैं। छोले दिखाओ जी, छोले साढ़े बिल्कुल गले पे ने, प्रॉपर गले पे ने, तो असी ये पनीर जरा असी थोड़ा जहा असी कच्चा पन दूर करके रखा सी गोल्डन ब्राउन किया से, वो असी ये ऐड कर देना, थोड़ा जहा पानी असी गर्म ऐड करांगे ताकि थोड़ी जी करी असी जिन्नी क बनानी उस हिसाब नाल असी, पर जो भी पाना पानी पाना है पानी गर्म ही पाना, तो 1-2 मिनट इनू असी उबाले दवावांगे ताकि पनीर फुल जाएगा, पनीर भी फुल जाएगा तो सारे मसाले का फ्लेवर भी वो आ जाएगा। वाइट चना पनीर साड़ा बन के बिल्कुल तैयार हो गया, गैस असी बंद करती, थोड़े जे हरे धनिया के पत्ते असी ये ऐड करांगे, तो काली मिर्च असी 1 चम्मच छोटी ये लास्ट ऐड करांगे, ये टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता और हैल्थ वाइज ये खानी बहुत अच्छी होंगी है। तो हुण असी तुहानू अलग कट के असी दिखांगे, वाइट चना पनीर करी बन के साड़ी बिल्कुल तैयार है, उम्मीद करते हैं तुहानू पसंद आएगी, एक बारी बना के देखो और कमेंट बॉक्स अपने कमेंट्स जरूर दिओ कि तुहानू कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।